हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से, जिसमें से दो पॉजिटिव बैलेंस के थे और एक नेगेटिव बैलेंस का था। उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो है उसमें जो ट्रांजेक्शन है वो अनकॉमन ट्रांजेक्शन है, जो नॉर्मली आपकी बुक्स में बहुत रेयरली आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा कि वो प्लस होगा या माइनस होगा और क्यों ऐसा आ रहा है और कितनी अमाउंट से प्लस होगा या माइनस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जब भी होता है तो पॉजिटिव बैलेंस होता है। ठीक है, याद रखेंगे पासबुक क्रेडिट बैलेंस इज पॉजिटिव बैलेंस और कैशबुक डेबिट बैलेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव बैलेंस। तो यहाँ पर यह बैलेंस पॉजिटिव के कॉलम में लिखा हुआ है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पासबुक है, तो हम यहां पर बनाते हैं हमारे हिसाब से। एक तरफ हम रखेंगे पासबुक और उसके बाद हम लिख रहे हैं यहां पे कैशबुक, और हमारी पासबुक जो है वो कैशबुक को फॉलो करेगी। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो दे रखा है चेक्स, जो हमने 750 रुपीस के बैंक में डिपॉजिट किए थे अप टू 31st दिसंबर। आउट ऑफ दैट 480 के जो चेक्स हैं वो January 3rd को कलेक्ट हुए हैं, तो इसका मतलब जो हमारी कैशबुक है उसमें ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग 750 रुपीस की है, जबकि पासबुक में उसमें से 480 के जो चेक्स हैं वो कब रिकॉर्ड हो रहे हैं, जनवरी में। तो इसका मतलब जो 31st दिसंबर हमारी रिकॉन्सिलेशन की डेट है, उस डेट में कैशबुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 480 रुपीस का आएगा। क्यों? क्योंकि 480 रुपीस की जो एंट्री है वो बैंक में जनवरी में हो रही है, जबकि वही एंट्री जो कैशबुक है उसमें दिसंबर में हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग हमें देखें कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। हमने ये चेक डिपॉजिट किए हैं तो कैशबुक के अकॉर्डिंग हमने इतना रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है, अब हमारा जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट है वो 480 ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 750 में से आउट 750 और 480 के बीच का जो डिफरेंस है वो तो कैशबुक और पासबुक दोनों में रिकॉर्ड हो चुका है, 480 जो है वो बैंक में बाद में रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 480 का जो ट्रांजेक्शन है वो कैशबुक में हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो कैशबुक में जब रिकॉर्ड हुआ है, चूंकि चेक डिपॉजिट है, तो कैशबुक का बैलेंस क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब कैशबुक और पासबुक के बीच में यू विल फाइंड कि कैशबुक का बैलेंस जो है वो पासबुक से ऊपर है, राइट। अब पासबुक जो है वो कैशबुक को फॉलो करेगी, तो ये कैशबुक है, ये पासबुक है, कैश जो पासबुक है वो कैशबुक को फॉलो करेगी, तो इट विल हैव टू गो अप, तो पासबुक को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम यहां पे 480 रुपीस का एडिशन कर देंगे, ये तो आपको समझ में आया। और 480 का क्यों होगा, डिफरेंशियल अमाउंट का क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है कि यहां पर ये 480 की जो एंट्री है वो 750 में इंक्लूडेड है, जो कि 31st दिसंबर तक कैशबुक में हो चुकी है, लेकिन वही एंट्री 480 की पासबुक में कब रिकॉर्ड हुई है, जनवरी में। तो जब दिसंबर में हम बैलेंस को मैच करेंगे तो 480 की एंट्री हमें कैशबुक में नजर नहीं आएगी, सॉरी कैशबुक में तो नजर आएगी लेकिन बैंक में नजर नहीं आएगी 31st दिसंबर को, तो उसे हमें यहां पे डालना पड़ेगा। आगे हम आते हैं, एक चेक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है 91 रुपीस का, ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी एंट्री हमने कैशबुक में कितने की है, 19 रुपीस की। तो अभी यहां पर देखें हम कि हमने चेक डिपॉजिट किया है 91 रुपीस का, जो कि कैशबुक में हमने 91 की जगह 19 रुपीस पर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर क्लियर क्लियर दिख रहा है कि जब कैशबुक और पासबुक को मैच कर रहे हैं तो हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। इसका मतलब कैशबुक जो है वो 91 की एंट्री दिखा रही है, और सॉरी पासबुक जो है वो 91 की एंट्री दिखा रही है, और कैशबुक कितने की एंट्री दिखा रही है, 19 रुपीस की एंट्री दिखा रही है। चेक डिपॉजिट हुआ है तो पासबुक में 91 की एंट्री है और कैशबुक में मात्र 19 रुपीस की एंट्री आ रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, राइट। डिफरेंस कितने रुपए का आएगा, 72 रुपीस का डिफरेंस यहां पर आएगा, और वो 72 रुपीस का जो डिफरेंस है वो हमें पासबुक में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पासबुक जो है वो एज कंपेयर टू कैशबुक अपर साइड में है ना, क्योंकि पासबुक यहां पे फॉलो कर रही है कैशबुक को, तो पासबुक ऊपर है तो पासबुक को ही नीचे आना पड़ेगा। तो हम यहां पर पासबुक में 72 रुपीस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहां पर जो एंट्री है वो 72 रुपीस की
लेस साइड में चली जाएगी। यहां पे हम लिख देंगे लेस, यहां पे हमने लिखा एड, राइट। अब हम और आगे की तरफ जाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम कॉस्ट शॉर्ट बाय रुपीज 200। कैश बुक में, इससे पहले हम कैश बुक पढ़ चुके हैं, कैश बुक में दो साइड होते हैं, ठीक है, ये वाला जो साइड होता है और ये वाला जो साइड होता है, ये वाला साइड हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड कहलाता है, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट, राइट। और इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो ये जो होता है ये हमारा रिसीट साइड होता है और ये पेमेंट साइड होता है, मतलब इधर जो भी, इस तरफ जो भी एंट्री होती है वो सब पैसा आने की एंट्री होती है और इस तरफ जो एंट्री होती है वो सब पैसा जाने की एंट्री होती है, ठीक है। तो इस तरफ का जो टोटल है वो हमारा कास्ट शॉर्ट का मतलब कम लगा दिया है, ठीक है। अब कम लगा देने से क्या होता है कि कुल मिला के पेमेंट का टोटल कम हो गया, अगर रिसीट से पेमेंट का टोटल कम हो जाएगा तो हमारा जो बैलेंस है कैश बुक का वो ज्यादा बैलेंस नजर आएगा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस तरीके से समझाने के लिए, एक लिटिल बिट में यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल आपको बना के समझा रहा हूं, वो आप देखेंगे। ये हमारी कैश बुक है, ये हमारा डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। हमारे पास बैलेंस है 10,000 रुपए का, ठीक है। हमने पेमेंट किए हैं पेड, जो कि क्रेडिट साइड में आएगा, एक्स 2,000 रुपया, वाई पेड वाई 2,200 रुपया, राइट। हमने ये दो एंट्री लिखी, हमारे पास 10,000 रुपया है जो कि हमारे डेबिट साइड में है और क्रेडिट साइड में दो एंट्रीज हैं 2,000 की और 2,200 की, मतलब इतना हमने पेमेंट किया है। तो 10,000 में से 4,200 रुपए का हमने पेमेंट किया तो हमारे पास जो बैलेंस बचना चाहिए वो 5,800 रुपीज का बचना चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट पोजिशन है, अगर हम यहां पे बैलेंस निकाल के देखेंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा 10,000 माइनस 2,000 बचेंगे 8,000, फिर 2,000 हमने माइनस किए तो बचे 6,000 और 6,200 और माइनस किए तो हमारा बैलेंस बचेगा 5,800, है ना। बट बाय मिस्टेक ये जो 2,000 और 2,200 है, हमने इसको गलती से 2,000 एंड 2,000 लेकर 4,000 टोटल लगा दिया, तो इससे हमारा इस तरफ का जो टोटल है वो शॉर्ट कास्ट हो गया या कास्ट शॉर्ट हो गया या अंडर कास्ट हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस तरफ का टोटल 4,200 की जगह 4,000 लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो 5,800 की जगह 6,000 रुपए आएगा, मतलब ये जो मिस्टेक हुई है इस मिस्टेक से हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है 200 रुपए से बढ़ गया है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस एरर जो हमारी कैश बुक है, ये पासबुक इधर है और ये कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस 200 रुपए से क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो हमें पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा, 200 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे तब हम इस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बना पाएंगे क्योंकि हम पासबुक से चल रहे हैं। तो इसका इफेक्ट जो होगा वो ये होगा कि हम इसको ऐड करेंगे 200 रुपीज ये ऐड के कॉलम में, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ जो यहां पर लिखा हुआ है, ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,200 इन कैश बुक was transferred as a credit balance of ₹1,200। अब इसका इफेक्ट देखें कि यहां पर क्या हो रहा है, फिर से मैं ये ट्रांजेक्शन के नंबर मिटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं चल रहा हूं इस तरीके से। ये मैंने ऐसे बताया, ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है, ठीक है। मेरे पास जो एक्चुअल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है 1,200 रुपए का, तो मैंने यहां पे लिखा बैलेंस 1,200, उसके बाद रिसीव्ड एक्स से मुझे रुपए मिले 4,800, ठीक है। टोटल हो गया मेरे पास कितना 10,000 और मैंने पेड टू वाई, ये मैंने लिखा यहां पर 3,000 रुपया,
राइट। और इसके बाद बैलेंस मेरे पास कितना बचेगा, टोटल 10,000 रुपए मेरे पास आए हैं, उसमें से मेरे 3,000 पे किए हैं, तो मेरे पास बैलेंस बच रहा है 7,000। इफ आई टेक द करेक्ट बैलेंस, जो मैंने यहाँ पे बोला है कि मेरा एक्चुअल बैलेंस कितना था, 1200 रुपए था, ये मैंने 1200 रुपए लिया। इसके बाद मेरे पास 8,000 की एक और 8,800 की एक और एंट्री, एक पैसा आया, उसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने एक पेमेंट किया है 3,000 का। ये सिर्फ अजम्पशन के बेस पर मैं बता रहा हूं आपको, समझाने के लिए कि इंपैक्ट कैसे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास बैलेंस आ रहा है 7,000 रुपीज, ठीक है। अब जो मेरी गलती हुई है वो ये हुई है कि ये जो बैलेंस डेबिट बैलेंस था, मैंने इसको गलती से क्रेडिट बैलेंस में ट्रांसफर किया और वो भी अमाउंट चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये कि ये बैलेंस मैंने यहां ना लिखते हुए इसको मैंने कहां पे लिखा, ये क्रेडिट साइड में लिखा और यहां पे लिखा बैलेंस और 2100। बाकी मेरे ट्रांजेक्शन जो है वो सेम है। ये मेरे पास 8,800 रुपए आए, वो मैंने लिखे यहां पे, ठीक है। और ये जो मेरा 1200 का बैलेंस था जो मुझे यहां लिखना चाहिए था, गलती से मैंने उसको क्रेडिट साइड में लिखा और 2100 रुपए लिख दिया। 3,000 की एंट्री मेरी एज इट इज है, जो पिछले वाले उसमें भी थी और इस वाले में भी। अब मैं देखता हूं तो मेरी क्या पोजीशन होती है, वहां पे मेरे पास जो बैलेंस आ रहा था वो 7,700 था और यहाँ पे 008 और ये 8 टोटल आ रहा है और इनका टोटल है 5,000, तो 007 और ये 37, ठीक है। ये टोटल हो गया मेरा 008, 2, 2, 4, 3, 6, 2, 8, ओके। अब हम देखें कि पिछला जो मेरा बैलेंस आ रहा था वो आ रहा था 7,000 और अभी जो बैलेंस आ रहा है वो 3,700 आ रहा है। मतलब ये कि ये मेरा करेक्ट बैलेंस था और ये मेरा इनकरेक्ट बैलेंस है और इसके कारण 003 और ये 2, 6, 6 में से 3 गया, ठीक है। तो 3,000 रुपए का डिफरेंस मेरे कैशबुक बैलेंस में आ गया। मतलब जो बैलेंस मेरा पॉजिटिव 7,000 रुपए होना चाहिए था वो घट के कितना हो गया, 3,300 रुपए हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको कि करेक्टली अगर मैं सारे ट्रांजेक्शंस को करेक्टली, ये मेरे ड्यूरिंग द पीरियड के ट्रांजेक्शन है एक और एक ये दो, जो मेरा बैलेंस है वो मेरा पिछले टाइम का बैलेंस है जो कि था तो डेबिट, मुझे यहां लिखना चाहिए था लेकिन बाय मिस्टेक उसको मैंने यहां लिखने की बजाय यहां लिखा, तो और वो भी गलत अमाउंट इंटरचेंज हो गई, ठीक है। तो इस गलती का इंपैक्ट क्या हो रहा है वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि अगर मैं यहां पर सही बैलेंस लिखता हूं यहां पे, तो उसके बाद मेरा जो बैलेंस आता है वो आता है 7,000, लेकिन इस गलती को जब मैंने यहां पे देखा तो उस गलती के कारण मेरा जो बैलेंस है वो 3,700 रह गया, मतलब 3,300 का बैलेंस मेरा गायब, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गलती से आपकी कैशबुक का जो बैलेंस है वो क्या हो गया, माइनस में चला गया 3,300, राइट। अब चूंकि ये एक एरर है और तो कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको कैरी नहीं करेंगे, बट बाय दिस टाइम बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए हमें आपस में जो बैलेंस को मैच करना है, टैली करना है, तो उसके लिए हमें पासबुक में इतना बैलेंस कम करके चेक करना पड़ेगा। तो पासबुक में भी हम क्या करेंगे, 3,300 को माइनस कर देंगे, तो ये जो एंट्री है ये काय में चली जाएगी, लेस में, और कितने अमाउंट से जाएगी, 3,300, ओके। तो ये जो गड़बड़ हुई है वो क्या है, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस था, पहली चीज आपने उसको नेगेटिव कर दिया, मतलब घाटे में उतार दिया, राइट। तो घाटे में उतार दिया तो उसके कारण तो आपको नुकसान हुआ ही, और जो डेबिट था वो भी गायब हो गया। तो जब भी अपोजिट साइड में बैलेंस आता है, ठीक है, मतलब ये कि डेबिट की चीज क्रेडिट में लिख देते हैं, तो वहां पे अमाउंट जो है डेबिट की अमाउंट प्लस जो आपने क्रेडिट में अमाउंट लिखी है, दोनों अमाउंट आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर ऐसा होता कि 1200 डेबिट बैलेंस की जगह 1200 क्रेडिट बैलेंस लिखता तो मेरा डबल अमाउंट का डिफरेंस आता 2400 का, लेकिन मैंने यहां पे 1200 लिखने के बजाय 2100 लिख दिया, इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों के अमाउंट आपस में प्लस हो जाएंगे और डिफरेंस उतनी ही अमाउंट का क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखें 1200 ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों को ऐड किया, 2100 प्लस 1200 इज इक्वल टू 3,300,
3300 रुपए का डिफरेंस जनरेट हुआ है, जिसको मुझे यहाँ पे एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ, जो यहां पे बताया हुआ है कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट ओवर। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक पेज नंबर 22 वाज ओवर कास्ट बाय रुपीज, जो भी अमाउंट है 750। ठीक है, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड। अब रिसीट साइड जो है अगर वो बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली रिसीट साइड का टोटल बढ़ जाएगा, जिसमें से आप पेमेंट माइनस करते हैं तो आपका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस गलती के कारण जो कैशबुक का बैलेंस है वो बढ़ गया है, तो आपको पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर आप लिखेंगे 750 के प्लस में जाएगा। क्लियर है कि जब भी ओवरकास्ट होता है या अंडरकास्ट होता है तो वो कौन से साइड में हो रहा है उससे आपको चेक करना होता है। देखो, अगर डेबिट साइड ओवरकास्ट होगी तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट होगी तो कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर जो क्रेडिट साइड है वो अंडरकास्ट होगी तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और अगर वो ओवरकास्ट होगी तो कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। और फिर आपको किस बुक को किससे टैली करना है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहां पे चूंकि हमारा कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया है तो पासबुक जो है वो कैशबुक को फॉलो कर रही है, तो पासबुक में भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं अगले चेक, अगले क्वेश्चन में, अगले ट्रांजेक्शन में। चेक ऑफ रुपीज 950 सेंट टू बैंक वॉज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश। अब यहां पर देखें कि चेक जब आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो जो एंट्री होती है कैशबुक में वो होती है डेबिट साइड में, ठीक है, जिससे कैशबुक का बैलेंस बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन बाय मिस्टेक वो एंट्री कैशबुक में हमने कहां कर दी है, क्रेडिट साइड में कर दी है, जिसके कारण कैशबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ने के बजाय क्या हो गया है, कम हो गया है। ओके, बट पासबुक में तो ऐसी कोई गलती है नहीं, और ये मिस्टेक हमें तब मालूम पड़ी जब हमने पासबुक और कैशबुक को आपस में मैच किया कि जो एंट्री पासबुक में दिखा रहा है कि पासबुक में प्लस हो रहा है लेकिन कैशबुक दिखा रही है इधर माइनस हो रहा है, तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, तो यहां जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, डबल अमाउंट का डिफरेंस आएगा। ये जो 950 है, ठीक है, 950 का डबल हो जाएगा, 9 × 2 = 18 और 1900 रुपए जो है वो कैशबुक का बैलेंस कम हो गया है, तो पासबुक के बैलेंस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एक बार फिर से समझाता हूं कि आपके पास बैलेंस है, ये डेबिट साइड है आपकी और ये क्रेडिट साइड है। आपके पास पहले से बैलेंस है 2000 रुपए का, और फिर आपने एक चेक जमा किया डिपॉजिट, ठीक है, ये आपका 950 का था, आपके हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए, 2950, राइट। लेकिन ये जो चेक है ये आपने यहां डालने के बजाय कहां डाल दिया, यहां डाल दिया चेक डिपॉजिट, ठीक है, और 950 डाल दिया। अब इसमें से ये माइनस होके आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 1050, ठीक है। तो जो बैलेंस आपका आना चाहिए 2950 उसकी जगह वो रह गया 1090, 1050, 009 और 19। ये आपका 1900 रुपए का डिफरेंस इसलिए जनरेट हो गया। तो चूंकि कैशबुक का बैलेंस माइनस में चले गया है तो पासबुक को भी आपको क्या करना होगा, माइनस में ले जाना होगा, और इस तरीके से हम यहां पे लिखेंगे। उसके बाद बाकी का प्रोसेस जो है वो आपको मालूम है कि आपको दोनों तरफ का टोटल करना है और उसके बाद डिफरेंस निकालना है, जो भी आएगा वो आपका बैलेंस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके बताऊंगा और उसके बाद इन माय ओपिनियन ये चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, आप बुक से प्रैक्टिस करें या जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से आप प्रैक्टिस करें, एग्जांपल्स करें, अनसॉल्व क्वेश्चन करें, और स्टिल अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम, जब भी आप चाहें स्कूल आए, और यू आर मोस्ट वेलकम। स्कूल में आपको हर चीज की सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर चीज की, हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आप स्कूल नहीं आते हैं तो वैसे तो बात ठीक नहीं है,
बट अगर कोई प्रॉब्लम है और आप स्कूल नहीं आ पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बट अगर आप स्कूल आते हैं तो दैट इज द गुड एंड बेस्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और लेके यहाँ पे समझा रहा हूँ और उसके बाद ये लास्ट हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन कि हमें दे रखा है कैश बैलेंस इस पर कैश बुक, इसको हम बोल रहे हैं ओडी बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1,80,000 ओवरड्राफ्ट है। आपको नेगेटिव कॉलम में लिखना है, माइनस के कॉलम में लिखना है। यहां पे हमने लिखा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और अब मैंने जो सिस्टम आपको डेवलप करके बताया उसके हिसाब से कैश बुक मैं लेफ्ट में लिखूंगा। इट इज द फॉलोअर पासबुक जो हमारा टारगेट होगी। ठीक है, और अब वन आफ्टर वन मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पढ़ते जा रहा हूं और आपको समझाते जा रहा हूं। फॉरेन चेक्स वर पेड इन टू बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड बाय बैंक इन अप्रैल, है ना। और हम जो यहाँ पे बना रहे हैं 31 दिसंबर की जगह हम इसको मार्च में बना रहे हैं। तो मार्च में बनाने का मतलब ये हो गया कि ट्रांजेक्शन जो किसी एक बुक में मार्च में है और दूसरी बुक में अप्रैल में आ रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, तो तीन चेक्स हैं जो कि हमने एज पर कैश बुक मार्च में डिपॉजिट किए थे। हाँ, मार्च में डिपॉजिट किए थे लेकिन वही चेक बैंक में कब डिपॉजिट हुए हैं, अप्रैल में डिपॉजिट हुए। तो हम यहां पे लिख रहे हैं चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तीनों चेक को हम ऐड कर लेंगे और तीनों चेक का जो भी अमाउंट है वो हम यहां पे लिख देंगे। एक 2500 का है, एक 3500 का है, दोनों को मिला के हो गए 6000। 6000 के बाद एक है 1900 का, तो 7900 ये हमारे तीन चेक्स हो गए। तीनों को हम यहां पर राइट। इसके बाद है फॉलोइंग चेक्स वर इशूड, यहां पे हम चेक इशू कर रहे हैं मार्च में लेकिन बैंक में वो मार्च में क्लियर नहीं हुए। इसका मतलब कैश बुक पे एंट्री है, पासबुक पे नहीं है। अब चूंकि ये वाला जो चेक है, सॉरी पहले मैं इसको देखूंगा कि चेक डिपॉजिट किए हैं लेकिन क्रेडिट नहीं किए हैं, तो चेक डिपॉजिट पर हमने सॉरी मैं गलत कर गया इसको। ठीक है, चेक हमने डिपॉजिट किए थे, कैश बुक पे एंट्री हो चुकी, कैश बुक का बैलेंस जा चुका है, बढ़ चुका है लेकिन पासबुक पे एंट्री नहीं है, तो हमें कैश बुक में इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और ये 7900 प्लस की जगह माइनस में जाएगा यहां पर। इसके बाद हम चेक इशू कर रहे हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, अब यहां पर आप देखें चेक इशू किए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, इसका मतलब कैश बुक एंट्री हो गई है, पासबुक एंट्री नहीं हुई है। तो आपको कैश बुक को वापस पासबुक के बराबर लाने के लिए जितना माइनस किया था उतना आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पर हम इसमें इतना प्लस कर देंगे, जो भी अमाउंट है वो मैं आपको बता रहा हूं 2500, 4500, 7000, 7000, 11000 के चेक्स हैं टोटल मिला के। यहां पर हम लिख देंगे 11000। उसके बाद हम आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, ए चेक ऑफ रुपीज 1000 विच वॉज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट वॉज नॉट सेंट टू बैंक फॉर करेक्शन। ओके, तो एक चेक आपको कस्टमर से मिला जिसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और लेकिन आपने उसको बैंक नहीं भेजा, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में एंट्री नहीं है क्योंकि पासबुक में आपने बैंक को चेक दिया ही नहीं, राइट। तो जितना आपने कैश बुक में प्लस किया है उतना वापस इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और आप यहां लिखेंगे चेक received not sent to bank।
चेक आपने रिसीव किया लेकिन बैंक को नहीं भेजा, 1000 रुपीज ये अमाउंट आया। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। पासबुक शोड ए क्रेडिट ऑफ ₹2500 फॉर इंटरेस्ट। पासबुक बता रही है आपके बैंक अकाउंट में ₹2500 इंटरेस्ट के जमा हुए हैं, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, तो कैशबुक में भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक। पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, इसकी एंट्री हमने यहां पे कर दी, 2500 रुपीज एड में, फिर वन मोर ट्रांजेक्शन, एक और ट्रांजेक्शन यहां पे बताया गया है, वो बता रहा है कि पासबुक में डेबिट हुए हैं ₹1000 बैंक के बैंक चार्जेस के, मतलब पासबुक ने कम किया है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, अमाउंट है ₹1000 हमने यहां पे लिखा। इसके बाद हम आते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ जो कि यहां पे नहीं है, मैं एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन यहां पर ले रहा हूं, चेक्स ऑफ रुपीज 4500 वर डिपॉजिटेड इन बैंक आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 1500 वर कलेक्टेड टिल 31st March। एक ट्रांजेक्शन ये, और दूसरा चेक्स ऑफ रुपीज 2700 वर इशूड आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 1700 वर एनकैश्ड इन अप्रैल। ये दो ट्रांजेक्शन है जिनमें लैंग्वेज अलग अलग है, तो उसका क्या मतलब होता है वो यहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांजेक्शन मैंने ऐड किए हैं। हमने यहां पे इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग 4500 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए अप टू 31st March, उसमें से लिखा हुआ है आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 1500 वर क्रेडिटेड और कलेक्टेड टिल 31st March। मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन 4500 के चेक्स की एंट्री कैशबुक में है मार्च में, लेकिन बैंक में सिर्फ ₹1500 की ही एंट्री है 31st March तक। तो यहां पर डिफरेंशियल अमाउंट जो है उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कैशबुक में 4500 की एंट्री है, बैंक में 1500 की एंट्री है अप टू 31st March, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो जनरेट होगा वो इनकी डिफरेंशियल अमाउंट का जनरेट होगा ₹3000। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डिपॉजिट किया है, हम कैशबुक से बना रहे हैं, पासबुक में एंट्री कम है, तो हमें कैशबुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यहां पे आएगा 3000। ठीक है, यहां पे जो अमाउंट है वो 1500 नहीं बल्कि 3000।
इसके बाद हम आते हैं अगले पर, चेक्स ऑफ रुपीज 2700 वर इशूड। यहाँ पे हमने 2700 रुपए के चेक इशू किए हैं, उसमें से 1700 के चेक्स बैंक में एनकैश हुए हैं। कब? अप्रैल में। तो इसका मतलब ये 1700 रुपए के जो चेक है ये कैश बुक में तो 31 मार्च में ही आ चुके हैं, लेकिन बैंक में ये एंट्री कब आई है? अप्रैल में आई है। तो जो मार्च का स्टेटमेंट है उसमें कैश बुक में और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो इस अमाउंट का आएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको इसकी तरीके से डिफरेंशियल अमाउंट को नहीं लेना है, बल्कि जो अमाउंट बैंक में अप्रैल में रिकॉर्ड हुई है उसको आपको यहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर चेक आपने इश्यू किए थे, राइट? तो जो चेक आपने इश्यू किए थे उससे कैश बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। अब चूंकि वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं अप टू 31 मार्च, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। यहां पे हम 1700 ऐड कर देंगे, राइट? और इसके बाद अब आपको सिंपली इसका टोटल लगाना है। इसका आप टोटल लगाएंगे और डिफरेंस निकालेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्योंकि स्टार्ट हुआ है कैशबुक से, तो लास्ट पहले जो निकल के आएगा वो पासबुक से आएगा। और बिकॉज ऑफ के माइनस कॉलम का टोटल ज्यादा है और प्लस का टोटल कम आएगा, इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाएगा। और इस तरीके से जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो चैप्टर हमारा खत्म हो